हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शर्मा कॉन्सेप्ट। शर्मा कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जो हमारी वैकेबली डाइट का नेक्स्ट पार्ट है वो लेकर आया हूँ, और आपको ये पार्ट जो है हमारे फेसबुक पेज पर भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ भी इसको पेज को लाइक करें। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का पहला वर्ड है वो है अब्रप्ट। अब्रप्ट क्या होता है? अचानक। यह एक एडजेक्टिव होता है, ठीक है। अब्रप्ट, अब्रप्ट मीन क्या होता है? अचानक, अचानक कोई चीज़ हो जाए वो क्या होता है? अब्रप्ट। जैसे सिनोनिम क्या है इसके? कल्ट, स्विफ्ट। स्विफ्ट भी क्या होता है? मतलब अचानक तेज़ी से कोई चीज़ मतलब हो जाए, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड, जिसकी हमने एक्सपेक्टेशन नहीं थी, जिसको हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, मतलब अचानक कोई चीज़ हो जाए उसे क्या कहते हैं? अनएक्सपेक्टेड। और सडन, सडन मीन भी क्या होता है? अचानक। अच्छा, एंटोनियम क्या होंगे इसके? ग्रेजुअल, मतलब धीरे धीरे। अनहरीड, एक तो जल्दबाजी होती है हरी, और अनहरीड मतलब जल्दबाजी नहीं, धीरे धीरे, ठीक है। एक पोलाइट, विनम्र निवेदन होता है, ठीक है। तो एंटोनिम्स क्या हो गया? ग्रेजुअल, अनहरीड, पोलाइट। तो जो एग्जांपल है इसका क्या होगा? जो एग्जांपल हमारा देयर इज एन अब्रप्ट फॉल इन आवर सेल्स, हमारी जो बिक्री है अचानक उसमें क्या आ गई? गिरावट आ गई। हमारी बिक्री में क्या आ गया? अचानक गिरावट आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड देखो। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर से ज़रूर किया करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को पता चले, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए, नेक्स्ट वर्ड है हमारा अटेन। अटेन क्या है? एक वर्ब। अटेन क्या है? वर्ब। अटेन का मतलब होता है पाना, प्राप्त करना। तो सिनोनिम क्या होंगे? अचीव, अचीव प्राप्त करना, गेट, रीच, मतलब कहीं किसी चीज़ तक हम पहुंच जाएं उसे क्या बोलते हैं? रीच। अगर उसकी वहां तक पहुंचा है उसको भी रीच बोलते हैं, ठीक है। मतलब पाना भी, रीच माने पाना भी होता है। और accomplish, ठीक है। तो ये क्या होते हैं हमारे सब के मीनिंग क्या होंगे? पाना, प्राप्त करना। तो अटेन के मीनिंग क्या हुए? अचीव, गेट, रीच, accomplish। और अब देखो, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? एंटोनिम्स होगा इसका लॉस, यानी कि खोना, ठीक है। तो वी नीड टू आइडेंटिफाई द बेस्ट वेज ऑफ अटेनिंग आवर गोल्स, हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम तरीकों की पहचान करने की आवश्यकता है, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट वर्ड इज तो हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्लेफ्ट। क्लेफ्ट मीन होता है फटन, यानी कि दरार, ठीक है। क्लेफ्ट क्या है? एक नाउन है। तो रिफ्ट, रिफ्ट भी माने क्या होती है? एक दरार होती है। क्रैक, कोई चीज़ क्रैक हो जाती है, ठीक है, फट जाती है। स्प्लिट, गैप, क्रेविस, ये सभी का मीनिंग क्या होता है? दरार होता है। और एंटोनियम्स क्या होगा इसका? फील्ड, भरा हुआ। तो ईगल्स ओफन नेस्ट इन ए क्लेफ्ट इन द रॉक्स, मतलब जो ईगल्स हैं अक्सर चट्टानों में एक फाक, फाक यानी एक दरार में घोंसला बनाते हैं, ठीक है। एक फाक मीन यानी कि एक दरार में घोंसला बनाते हैं, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट वर्ड देखिए। नेक्स्ट वर्ड इज डीकम्पोज। डीकम्पोज होता है वर्ब, इसे क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं डीकम्पोज। तो इसका मतलब होता है सड़ाना, गलना, ठीक है, गलाना, मुरझाना। ये क्या मीनिंग है इसके? डिकम्पोज के। तो डिके, डिके मतलब सड़ना, गल जाना, बिल्कुल बेकार हो जाना, डिके होता है। करप्ट, डिजोल और पेरिस, ये सभी के मीनिंग क्या है? गलना, सड़ना, जो भी होता है, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे? डेवलप, डिवेलप। डेवलप क्या है? डेवलपमेंट होता है, जैसे विकास। तो डिवेलप यानी कि किसी चीज़ का डिवेलप होना, फ्लोरिस। तो ये क्या होंगे हमारे? एंटोनिम्स होंगे। तो द बॉडी हैड बिगन टू डिकम्पोज, यानी शरीर सड़ने लगा था,
क्या बॉडी है वो क्या हो गई, क्या होने लगी थी, सड़ने लगी थी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड देखिए, आज का लास्ट वर्ड हमारा, तो आज का हमारा जो लास्ट वर्ड है वो क्या है, डिक्री। डिक्री मीन होता है मतलब आदेश, कानून। ठीक है, आदेश होता है, जिस डिक्री आदेश देते हैं हम, और ये क्या डिक्री नाउन है, तो ऑर्डर कमांड जजमेंट लॉ, लॉ मीन्स कानून होता है। ठीक है, तो ये क्या हमारे इसके सिनोनियम। तो एंटोनिम्स क्या होगा, रिक्वेस्ट। ठीक है, एक तो आदेश देते हैं जब ये कर ये कर, और एक रिक्वेस्ट करते हैं हम। ठीक है, तो एकदम अपोजिट हुए ना, तो इसका एंटोनिम क्या होगा, रिक्वेस्ट। तो मोर देन 200 पीपल वर फ्रीड बाय मिलिट्री डिक्री, मतलब 200 से अधिक लोगों को सैन्य फरमान से मुक्त कर दिया गया। जैसे बोल देते हैं ना कि फरमान आया तो आदेश आया है। ठीक है, तो फरमान का मीनिंग क्या होता है, आदेश ही होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आए होंगे, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।